नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स। माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कर्व। यहाँ पर कोई एक आपने ये रेडियस बना लिया और ये रेडियस जो इसके 20 थीटा है वो 60 डिग्री का सबटेंड हो रहा है, राइट। यहाँ से इस जो आर्क है, इस आर्क को के एंड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है ये कॉर्ड बन गया। ये जो सेडेड पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया। और जो रेडियस है वह 21 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर 21 है तो ये भी 21 सेंटीमीटर का होगा। ए बी कॉर्ड हो गया, ए ओ एंड बी ओ इसका रेडियाई हो गया, और आपका ए बी जो है कॉर्ड है और ए से लेकर के जो डिस्टेंस यहाँ तक कोई पॉइंट आप रख के चले तो यहाँ पर ए क्यू बी ये क्या हो गया, इसका आर्क हो गया। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ फॉर्म बाय एन आर्क, इससे इस जो ए ओ क्यू बी जो सेक्टर क्रिएट हो रहा है वो फाइंड करना है, और आपको ये भी फाइंड करना है कि जो एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कर्व, इस करेस्पॉन्डिंग कर्व से जो ये सेगमेंट बन रहा है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है सॉल्यूशन में, जो रेडियस गिवेन है वह 21 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। इतनी बात तो समझ में आ गई क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के बाद आपको चलना है और फर्स्ट में आपको जाना है कि माइनर सेगमेंट लेंथ ऑफ एन आर्क, सॉरी पहले एक बार मैं क्वेश्चन को देखूंगा, शायद फिफ्थ पर है, फर्स्ट पॉइंट पर द लेंथ ऑफ द आर्क, यहां पर ये पॉइंट है द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी फर्स्ट पॉइंट लिखने पर। तो यहां पर हम फर्स्ट पॉइंट पर चलेंगे और लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क कहां पर है, ये ए क्यू बी, जो ए क्यू बी है ये क्या है, आर्क है, ठीक है ना, ये ए क्यू बी जो है वो क्या हो गया, आर्क हो गया, ठीक। अब आर्क के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीपल बाय 2 पाई आर, ठीक, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीपल बाय 2 पाई आर। इस फार्मूला को लगा करके आप यहां से यहां तक के आर्क की लेंथ को फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो आपने 60 लगा दिया, 360 डिग्री 2 एंड पाई के लिए 22 अपॉन 7, आर के लिए 21 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, एरिया नहीं है तो इसलिए स्क्वायर आप नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, 6 वन जा 6, 6 जा हो गया, 2 वन जा 2, 3 जा हो गया, और 3 से इसको 7, 3 7 जा, और ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट में लेंथ ऑफ एन आर्क कितना निकाल दिया आपने, 22 सेंटीमीटर आपने फाइंड कर लिया। सेकंड पर आपसे कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क, तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, 360
थीटा अपॉन 360 मल्टीपल बाई पाई आर स्क्वायर। अब आप देखें थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, पाई आर 360, पाई आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22 अपॉन से भी रखें और 21 स्क्वायर को 21/21 कर दीजिए और ये एरिया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। क्लियरली आपने यहाँ पर क्या किया, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा। अब देखें यहाँ पर आपने किया 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 से आपने 11 को डिवाइड कर दिया और यहाँ पर कितना हुआ, 7 से 7 को, तो 11 मल्टीपल बाई 21। 11 की टेबल इजी है, 11 1 जा 11 कैरी 2 और 11 2 जा 22 और 2 कितना हो जाएगा, 11 1 जा 11 कैरी 1 हुआ है, 22 और 1 23, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करना है, थर्ड पॉइंट पर चलें। थर्ड पॉइंट पर है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय एंड बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड से इस सेगमेंट की निकालनी है, तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए एरिया ऑफ द सेक्टर से एरिया ट्रायंगल को निकाल दो। एरिया ऑफ द सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सेगमेंट क्या बच जाएगा, माइनर सेगमेंट की एरिया बच जाएगी। तो यहाँ पर आपने नोट किया एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग साइड्स, बाय द करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक, अब क्या क्लियर हो जाएगा, यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर लिख लें आप, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी फाइंड आउट कर ले। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया है, 231 हो गया, 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। देखिए यहाँ पर कुछ 60 डिग्री का है तो ये भी 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अंडर रूट 3/4 साइड होल स्क्वायर लगता है, ठीक है ना फार्मूला, 231 माइनस रूट 3/4 साइड होल स्क्वायर के लिए 21 कितना जाएगा, यहाँ 21 है तो यहाँ पर 21 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 कर लीजिए। देखिए ये इससे कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पर 441 रूट 3/ क्या करें 4, आप इसको यहीं पर छोड़ दें और ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।